आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। दो राज्यों के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रह चुके स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि 18 अक्टूबर को है, जिसको लेकर के उत्तराखंड के लालकुआ क्षेत्र में तैयारियां जारी हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार रह चुके स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के लोगों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ में भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा तैयारियां जारी हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश से 3 बार और उत्तराखंड से 1 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन रह चुके स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी को उनके कार्यों की वजह से विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पूरे करीब सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उसी दिन अभी हमारे परमादरणीय बड़े भाई श्री यशपाल आर्य जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो कि इन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन करी है, उनका भी सम्मान समारोह उस दिन होना है। और बहुत से प्रकोष्ठ के लोग, चाहे SC प्रकोष्ठ से लेकर और भी बहुत से लोग जो हमारे यशपाल जी के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो लोग भी उस दिन ज्वाइन करने वाले हैं। तो मेरा यह मानना है कि उस दिन ये एक ऐसी अभूतपूर्व कांग्रेस का सम्मान समारोह होगा जिसमें मैदान में सर ही सर दिखाई देंगे और लोगों में एक उत्साह भी है कि देखिए कांग्रेस के लिए काम करो, कांग्रेस को 2022 में सत्ता में लाओ, जिससे कि सारे क्षेत्रों का विकास हो सके। उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा उनके विकास कार्यों को भी गिनाया जाएगा। लालकुआ से उमेश पंत की रिपोर्ट।